नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार फार्म पर। आज हम बात करेंगे मछली पालन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, ये चार तरह की प्रजातियां हैं मछली की, रोहू, कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। आज तालाब में छोटी और बड़ी मछलियों को अलग अलग किया जा रहा है। दोस्तों, हर 3 महीने में तालाब में नेटिंग कराना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे होता यह है कि तालाब में मेंढकों की संख्या और मछलियों में होने वाले रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, और साथ ही मछली की ग्रोथ का भी पता चलता रहता है कि ग्रोथ कहीं धीमी तो नहीं है। इनमें बड़ी मछलियों को अलग किया जा रहा है। ये दूसरे तालाब में मछलियों को डाल रहे हैं। दिखाना जरा पास में, इधर दिखाना जाले को, बड़ी मछलियों को इधर से दिखाना है। और साथ ही मछली पर ये देखा जा रहा है कोई फंगस तो नहीं है। आइए दोस्तों, दिखाते हैं जाला कैसे चलाया जाता है। ये देखिए, जाला चलाया जा रहा है। मछलियों को पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इसमें एक ट्रॉली गोबर का खाद डाला गया है, जिससे होगा ये इसमें फ्लोंटोन तैयार होगा, जो मछली के खाने में सहायक बनेगा। खास तौर पे ग्रास कार्प मछली का पसंदीदा भोजन है ये। दोस्तों, मछलियों को अगर दाने पर तैयार किया जाता है तो वो 6 महीने में 1 किलो का वजन ले लेती हैं। वहीं अगर उन्हें देसी तरीके से नेचुरल फीड पर तैयार किया जाता है तो 1 वर्ष का समय लगभग लग जाता है। इधर से दिखाएं ऐसे ही। दोस्तों, फार्म का पता है चिनोर, दौलतपुर, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।